फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख करीब आ गई है। बस एक दिन ही रह गया है टैक्स फाइल करने में और इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अब तक 4 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या के लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है। अगर आप भी उस संख्या में आते हैं जिन्होंने ITR फाइल नहीं किया है तो आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स ITR फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ITR फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी, पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। देश के कई इलाके जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों को ITR फाइल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए वकीलों के टैक्स एसोसिएशन ATVA और सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर ITR फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 31 अगस्त करने की मांग की थी। मगर इस पर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा था कि लोग 31 जुलाई से आगे डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद न रखें। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस मांग पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो आज ही इसे पूरा कर लें, क्योंकि अब बस एक दिन ही बाकी है। इसके बाद आपको 2000 से 5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आप घर बैठे बैठे 10 मिनट में ऑनलाइन अपना ITR भर सकते हैं। पिछली बार करीब 6 करोड़ टैक्स पेयर्स ने ITR भरा था। आखिरी 2 दिन में करीब 2 करोड़ ITR भरे गए थे। ITR फाइल करने के बहुत से फायदे हैं। हर उस व्यक्ति को इनकम टैक्स जरूर भरना चाहिए जो किसी भी माध्यम से पैसा कमा रहा हो। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आ रहे हैं तो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे लोन लेने से लेकर कारोबार तक में मदद मिलती है। घर खरीदने और बेचने में, बैंक में बड़ी रकम जमा करने के लिए और म्यूचुअल फंड में निवेश में भी ITR आपकी मदद कर सकता है। ITR की रसीदें आपकी आय का पुख्ता प्रमाण होती है। ITR भरने के लिए कई दस्तावेज जरूरी है। इसमें फॉर्म 16A सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए फॉर्म 16A काफी अहम होता है। इसी की मदद से ITR फाइल किया जाता है। ये दस्तावेज किसी भी कर्मचारी को उसकी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। हर कंपनी को 15 जून से पहले इसे जारी करना जरूरी है। वहीं फॉर्म 26AS को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। इसमें किसी भी टैक्स पेयर की इनकम पर लगे टैक्स की पूरी जानकारी होती है। इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपना पैन नंबर डालकर निकाला जा सकता है। चाहे तो अपने फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS की तुलना भी कर सकते हैं कि दोनों जगह टैक्स डिडक्शन समान है या नहीं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।